gala on this one. Man's going in on this one. Throw a couple gal on this one. Man's got a gal on this one. You can't hold back on this one. Man's going mad on this one. Got this thing going down like. Let's go. हेलो गाइस, वेलकम टू उक्का गुरु 786। फिर से स्वागत है आपका इस चैनल के अंदर, उक्का गुरु 786 के अंदर। आज आपके सामने एक धमाकेदार मॉडल आ चुका है उक्के का, तो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ वापस दोबारा से, 10 दिन बाद आपके पास आ रहा हूँ वीडियो बनाने। तो सबसे पहले तो गाइस आप सबकी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। ये दिवाली की तरफ से एक वीडियो आ रही है और नया धमाका मॉडल आ रहा है उक्का गुरु 786 की तरफ से। इस उक्के का मॉडल का नाम है सबसे बड़ी बात स्पाइडर उक्का, जिसकी वीडियो मैंने पहले बनानी थी बट बना नहीं पाया था। तो मैंने इसकी पहले जो शूट्स होती हैं, मतलब फोटो वगैरह जो होती है पिक्चर्स इसकी उक्के की, तो मैं इंस्टाग्राम पे डाल चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने इंस्टाग्राम को चैनल फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर दें। ये साइड में मेरा हैंडल बना आ रहा है, तो और बाकी अगर हैंडल को आप नहीं जाके देख सकते तो आप मेरे को लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम का पेज दिया हुआ है, तो आपको वहां पे जाके फॉलो कर देना है। और इसी हुक्का गुरु 786 के मेन पेज को भी फॉलो करना है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे फ्रॉड्स पेज हो गए हैं। तो बिवेयर रहना गाइज आप सभी को कि आपको फ्रॉड इस पे नहीं जाना, कि फ्रॉड आपका हो या कोई काटे आपको या पैसे लेके आपका पार्सल ना भेजे या कोई डुप्लीकेट चीज भेजे। तो इससे बेटर है हुक्का गुरु 786 को फॉलो करें, सब्सक्राइब भी करें और हमारे चैनल को शेयर भी करें। और ऐसी वीडियो को देखना दुबाके धमाकेदार जो वीडियो बन रही है, और इससे पहले जो वीडियो डाल रखी है मेरी कोको आया की पिंगी मॉडल, तो उसको जरूर जाके देखिए। सबसे सस्ता हुक्का आया है, चीपेस्ट हुक्का, तो इसी की टाइप का एक और हुक्का आया काफी शानदार, मतलब उससे तो थोड़ा सा महंगा ही होगा बट धमाकेदार होगा है। और इसके दो वेरिएंट्स हैं, आपको दोनों वेरिएंट्स दिखाऊंगा और कलर्स भी आपको बताऊंगा मैं। तो चलते हैं पूरी वीडियो को सेटअप कर रहे हैं और अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये पूरा आप देख ही रहे हैं, इसका ब्लैक कलर का बॉक्स है जो पूरा हुक्का लिखा हुआ है, इस पर अनबॉक्स कर रहा हूँ आपके सामने। और इसके साथ साथ आपको ये मिल रहा है, इसमें सबसे पहले तो खास बात है कि सिलिकॉन पाइप, जो आज के डेट में लोग सिलिकॉन पाइप मांगते हैं। क्यों मांगते हैं सिलिकॉन पाइप? का मतलब ये होता है कि स्मूथ आता है एक तो स्मोक, और क्लियर आता है बिल्कुल डेंस स्मोक करके, क्योंकि डेंस स्मोक का मतलब ही होता है गाढ़ा स्मोक, मतलब वाइट आपको स्मोक दिखे, ठीक है। और जो नॉर्मल पाइप्स होती हैं उनमें क्या होता है, किसी में तार जम जाता है या आपके पास ऑलरेडी पाइप होगी माया का भी, कभी अपने हुक के यूज करेंगे तो उसकी पाइप्स क्या खराब हो जाती है, उसमें तार जम जाता है, कालकपन निकलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिलिकॉन पाइप हमेशा लॉन्ग लास्टिंग चलती है, ना ही टूटती है, ना ही मुड़ती है, ना ही खराब होती है, और स्मूथ आता है स्मोक, और काफी अच्छी लंबी हैंडल पाइप होती है। देखिए 6.5 फीट की इसकी ये पाइप निकल रही है इस हुक्के के साथ, तो आपको दिखा रहा हूं मैं पूरा सेटअप करके। और इसके साथ आपको मिल रही है मिट्टी की क्ले चिलम, मतलब मिट्टी की क्ले चिलम जो है काफी पुरानी मॉडल्स में आती थी और काफी पुराने मॉडल्स के साथ साथ अभी भी चल रही है। देखिए कितनी शानदार मिट्टी की क्ले चिलम है। और इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएंट का क्या मतलब होता है। एक वेरिएंट होता है कलर वाइज होता है या मॉडल्स टाइप होता है, तो इसका वेरिएंट है सिलिकॉन चिलम प्लस क्लाउड, ठीक है। इसके साथ अगर आपको सिलिकॉन चिलम प्लस वाला क्लाउड वाला मॉडल चाहिए तो आप वो भी मेरे से परचेस कर सकते हैं हुक्का गुरु 786 से। तो मतलब आप अलग से परचेस करेंगे तो आपको काफी महंगा पड़ेगा, अगर आप इस हुक्के के साथ परचेस करते हैं तो आपको कम प्राइस के अंदर सिलिकॉन चिलम क्लाउड मिल सकता है। तो मुझसे बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने फॉलो करवाया हुआ है पेज को, आप फॉलो कर सकते हैं, लोगों को दिखा रखा है कि कैसे फॉलो करना है, तो उसको जाके फॉलो करें और हमारे से परचेस करें। ये हुक्का मॉडल स्पाइडर हुक्का के नाम से मॉडल है, जरूर जाके देखें और पेज को फॉलो करना है। इसके साथ देखिए इसकी ये तीन टांगे निकलती है, 3 लेग्स, मतलब ये चिकन लेग्स नहीं है तो, बट ये स्पाइडर की लेग्स निकल रही है, 2, 1, 2 एंड 3। सेटअप आपको सारा करके दिखाऊंगा कैसे इसको सेटअप करना है, कैसे मॉडल्स को यूज करा जाएगा। इसके साथ देखिए स्प्रिंग भी निकल रही है, स्प्रिंग माने क्या है, आपकी पाइप कभी बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, तो ये है स्प्रिंग, स्प्रिंग का सहारा देंगे पाइप को, आपका पाइप कभी बेंड नहीं आएगा और जो फ्लो होगी डेंसिटी की काफी बिल्कुल सीधी आएगी, आपका गाढ़ा स्मोक निकल जाएगा। और इसके साथ आपको ये मिल रहा है इसकी ये थोड़ी सी छोटी सी नोजल है, आपको बताऊंगा क्या है इसकी नोजल का, ये देखिए इसकी छोटी सी स्टेम और छोटी सी भी और छोटी हो जाती है, ये देखिए ये आपकी बिल्कुल पूरी स्टेम खुल जाती है, जैसे एक स्पाइडर की कुछ लेग्स तोड़ दिया आपने, कुछ पार्ट्स तोड़ दिए तो बिल्कुल नंगा हो रहा है वो धीरे धीरे। तो अभी तो इसको बनाना है हमने, स्पाइडर को आपको दिखाऊंगा, ये भी इसके पार्ट्स हैं जो पूरे लगेंगे आपके सामने, सेटअप पूरा दिखाऊंगा क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स निकल रहे हैं।
ये देखिए इसका रशियन स्पाइडर का टोंग निकल रहा है, सबसे बड़ी खास बात, काफी अच्छा लॉन्ग टोंग है। और ये देखिए इसका डिफ्यूजर सिस्टम साइलेंट हुक्का हो जाता है, मतलब लाइट साइलेंट, ये नहीं कि आपका पूरा हुक्का साइलेंट हो जाएगा तो आपका गुड़ गुड़ की आवाज नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। गुड़ गुड़ की आवाज आनी चाहिए हुक्के के अंदर, तभी पता चलता है कि हम हुक्का पी रहे हैं, नहीं तो साइलेंट हुक्का पीना कुछ फायदा नहीं है फिर। और ये देखिए इसका पाइप का हैंडल साथ ही साथ निकल रहा है, मतलब आपका पाइप पहले से 6 फीट था पाइप, और अगर हैंडल लगा देंगे तो और लंबा हो जाएगा पाइप। ये देखिए ये आपका लग गया पाइप इसमें, ये देखिए पाइप कितना और लंबा हो चुका है पाइप आपका। और आपको पूरा फुल सेटअप जो दिख रहा है एसेसरीज, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ इसकी क्या क्या निकल रही है। ये देखिए कितना शानदार इसका बेस आया है, इस पॉलिथीन के अंदर आया चुका, बबल रैप के अंदर पूरा फिट होके आया। देखिए कितना शानदार लग रहा है बेस, और इस बेस को कैसे खड़ा करा जाएगा आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। तो पूरा फुल वॉच करना है वीडियो को एंड तक, तभी आपको समझ आएगा इस हुक्के के बारे में क्या खास बात है, और आज मैं क्या चीज इसमें यूज करने वाला हूँ, कौन सा फ्लेवर। ये देखिए इसकी एल्युमिनियम की प्लेट, काफी शानदार, काफी हैवी प्लेट है, और इसका जो साइज है 23 इंच साइज है इसका। मैंने इंस्टा पे पहले एक मॉडल डाला था जो 20 मतलब 18 इंच का था, तो ये वाला इंच जो है 23 इंच का मॉडल है, ऑलरेडी लोग मेरे से परचेज कर चुके हैं, मतलब वीडियो बनाने से पहले ही ये मॉडल बिकना स्टार्ट हो चुका है, तो जरूर जाके परचेज करें, और जो इसका स्मोक आएगा वो देखना कितना शानदार आने वाला है। तो पूरी एसेसरीज मैंने आपके सामने निकाल दी है, अब ये सिर्फ पॉलिथिन में अंदर डाल के आपको पूरा फुल सेटअप करके दिखाता हूँ, और अपने बॉक्स को रख देते हैं हम नीचे साइड में। उसके बाद आप देखिए कितना शानदार ये बनने वाला, 3 टांगों का मकड़ी हुक्का, मतलब मकड़ा स्पाइडर, मकड़ा एक टाइप का हुक्का है ये, तो देखते हैं इसका कैसे शानदार बेस बनने वाला है। सबसे पहले तो ये बेस है इसका, आपको क्या करना है, ये जो पार्ट्स हैं इसके एसेसरीज वाले जो मैंने आपको बताए थे, ये एसेसरीज की प्लेट है एल्युमिनियम की बिल्कुल, ये स्टेम है इसकी, ये स्टेम के पार्ट्स को आपने जोड़ना है, ये आपका जुड़ गया स्टेम का पार्ट। उसके बाद एक एक करके इसकी लेग्स को लगाना है, देखिए इसकी ये लग गई इसकी एक टांग, मतलब फुल स्पाइडर हुक्का, काफी शानदार और न्यू ट्रेंडिंग मॉडल में आपका ये स्पाइडर हुक्का। ये लग गई इसकी दूसरी टांग, देख रहे हैं कितना शानदार लग रहा है, अभी भी अगर दो टांग पे भी होता तो खड़ा हुआ काफी अच्छा लगता, बट इसकी लुक जो है वो 3 लेग्स के साथ ही लुक आती है, और काफी अच्छी स्टैम है, मतलब पोर्टेबल हुक्का है, कैरी करने के लिए इजीली है, कहीं पे भी आप लेके जा सकते हैं हुक्के को। और जो मैंने आपको बताया कि ये है इसका डिफ्यूजर, नीचे लगा हुआ है डिफ्यूजर, 2 टाइप्स ऑफ डिफ्यूजर है नीचे, ये जिसकी 2 लेयर्स निकलती है, और ये आपने इसके नीचे लगा देना है। ये आपका लग गया इसका डिफ्यूजर। उसके बाद ये जो पार्ट्स है, ये है इसका पाइप का पार्ट जो इस पाइप के ये इधर अंदर लग जाएगा, बस ये बिल्कुल फिट कर देंगे आपको, और फिट करने के बाद सिर्फ आपने ये पाइप यहाँ पर डाल देना है, कुछ काम नहीं है। और ये जो प्लेट है इस पे ऐसे करके लग जाएगी ये प्लेट आपकी, मतलब ये थी इसकी पाइप की जो प्लेट थी, सबसे पहले तो ये पार्ट खुलेगा इसका भी, मतलब सारी चीज आपकी ओपन होती जा रही है। ये आपने फिट करी, ये आपने लगा दिया इसके ऊपर, ये आपका बिल्कुल फुल सेटअप बनता जा रहा है, और ये आपने फिट कर देना है इसके अंदर, और इसका ये लॉकिंग सिस्टम है, आपको लॉक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर बेस के अंदर पानी डाल देता हूँ, बेस के अंदर पानी डालना बड़ा ध्यान रखना है कि आपका जो बेस है कहीं आपके हाथ से ना छूटे, क्योंकि इसका बेस मिलना बहुत मुश्किल है, बट काफी अच्छा होता है, थोड़ा सा डिजाइन काफी अच्छा दिखाया गया इसका। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी, और ये इसका नीचे से आपका सेटअप, देखिए कितना शानदार है। बिल्कुल इसमें हो गया बिल्कुल फिट, देखिए कितना शानदार लुक आ रहा है, मतलब डिजाइनिंग हुक्का, और इसके ऊपर ये इसकी लग जाएगी चिलम,
और आपको मैंने बताया था कि पाइप को मोड़ने के लिए क्या करा जाता है, इसके आगे स्प्रिंग बना सकते हैं आप। इसको सबसे पहले तो इसका पार्ट निकाल लूँ मैं, इस पाइप को निकालिए, पार्ट को यहाँ पे स्प्रिंग डालनी है आपने, और उसके बाद ये पाइप के कनेक्टर को इसको ज्वाइंट कर देना। ज्वाइंट से आपका क्या होगा, स्प्रिंग बिल्कुल निकलेगी नहीं और आपका पाइप बिल्कुल जो है बेंड नहीं होगा, और काफ़ी इजीली मतलब स्मोक आएगा और डेंसिटी भी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। ये इसमें लग गया आपका पार्ट और ये आपने लगा दी स्प्रिंग। तो अब बताइए कैसी इसकी लुक्स आई, कितना शानदार हुक्का लगा ये दिखने में भी। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि इसका ये रशियन का टॉन्ग मिल रहा है इसके साथ, तो देखिए बिल्कुल फुल सेटअप है, काफ़ी अच्छा। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, टोंग नीचे रख दी, अब इसकी जैसे थड़ से मुंडी को अलग करा जा सकता है। तो ये है इसकी खास बात, क्या अगर आपकी कोल कभी यहाँ पे पड़ी है तो अगर आपको झाड़नी है तो आप ऐसे करके झाड़ सकते हैं कोल को, मतलब कोल भी आपकी पड़ी रह सकती है। आपको क्या करना है, सिर्फ टोंग से अपने कोल को झाड़ देना है ताकि आपकी ऐश जमा ना हो और ये आराम से इसमें फिट आ जाएगा। देखिए कितना शानदार लुकिंग सिस्टम अच्छा दिखाया गया। और इसका वेरिएंट है दूसरा ये वाला, ये देखिए रशियन मकड़ा स्पाइडर, काफ़ी अच्छा नाम दिया गया है इसको और काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मॉडल दिख रहा है। देखो कितना शानदार रुका है और लॉन्ग साइज है, और आपको पूरा फुल सेटअप करके दिखाऊंगा मैं इसके अंदर। पूरी चिलम रेडी हो चुकी है हमारी, जो मैंने ये चिलम ऑलरेडी सेट करके रखी है, मिट्टी की सी क्ले चिलम ही पूरी यूज़ करके दिखाऊंगा इसके अंदर। आज मैंने यूज़ करा है Love 86 का फ्लेवर, जो शीशा 360 की तरफ से है, हर्बल फ्लेवर, नो निकोटीन, नो टार, नो तबैको। तो काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है, और इसका स्मोक देखना कितना शानदार आएगा। अभी ये रख दिया मैंने अपनी ये वाली चिलम, इसकी नई वाली चिलम उतार देते हैं, और इसकी दूसरी चिलम को आज हम यूज़ करेंगे। और आप ही के सामने आज पूरा फुल सेटअप कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने पिंगी का मॉडल बनाया, कोकोया पिंगी, काफ़ी अच्छी वीडियो जा रही है मेरी, तो उसमें रिस्पॉन्स भी मेरे को अच्छा मिला, तो इसका भी रिस्पॉन्स अच्छा मिलना है आप लोगों को अगर शेयर करेंगे तो। और मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से यूज़ करके दिखा रहा हूँ। आज मैं भी कोकोया की तरफ से ये मैजिक कोल यूज़ करूँगा, और मैजिक कोल यूज़ करने का तरीका क्या होता है, लोग कहते हैं कि हमारा यार हुक्के का फ्लेवर जल्दी चला जाता है, तो तरीका क्या है, आज मैं 1.5 कोल यूज़ करूँगा मैजिक कोल, ठीक है, जिससे आपकी डेंसिटी भी बनी रहेगी और आपका स्मोक भी डेंस आएगा। पूरा लाइव आपके सामने दिखाऊंगा। तो ये है आपका लाइटर और कोकोया कोल ये रही, इसके अंदर मैं लाइटर से जलाऊंगा। ये देखिए सिर्फ 2 सेकंड का खीर होता है कोकोया की कोल को जलाने के लिए। ये आपकी कोल हो गई बिल्कुल रेडी। उसके बाद आपने क्या कर देना है, सिर्फ कोल को जो है यहाँ पे बीच में नहीं रखना, कभी साइडों में, सिर्फ साइडों में रखोगे तो आपका बिल्कुल फ्लेवर जल जाएगा। ये मैं रख दी कोल को, और उसके बाद ये है आपकी हाफ कोल, जो मैंने आपको बोला कि 1.5 कोल को जलाने का तरीका क्या है, इसी के ऊपर आपने एक कोल रख देनी है। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करना है आपने, दोबारा से लाइटर को यूज ही नहीं करना। मैजिक कोल ऐसा यूज होता है कि मतलब आपने एक कोल जल तो दूसरी कोल इजिली आपकी जल सकती है। तो ये दोबारा से कोल को मैंने उठाया, क्या देखिए ऑटोमेटिकली हाफ कोल जल चुकी है। ये आप लोग सबको तरीका पता होगा, बट जो नए लोग होते हैं उनको ये तरीके नहीं पते होते, तो ये उनके लिए एक सेटअप है नॉर्मल छोटा सा, और स्पाइडर हुक्के का काफ़ी अच्छा मॉडल है, तो उसको यूज़ करके दिखा रहा हूँ मैं। उसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ ये है गन मशीन। तो गन मशीन का तरीका क्या है, सिर्फ आपको मैंने पहले भी बता रखा है। इसके साथ क्या मिल रहा है, कोई चार्जर चार्ज करने के लिए, 15 मिनट्स के लिए चार्ज करना होता है। ये है ऐसी एसेसरीज, ठीक है, एसेसरीज के साथ है ये आपकी गन मशीन। तो गन मशीन आपको कैसे तरीके से यूज करनी है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ आज। ये रख देते हैं हम साइड में बॉक्स को, और इसकी जो एसेसरीज मैंने आपको दिखाई ये वाली, तो इसको लगा देना है इसके ऊपर सिर्फ, ताकि आपकी ये चिलम के अंदर बिल्कुल फिट आ जाए। ये लगी आपकी, और आपने चिलम को उतारना है, ठीक है, आपने चिलम को उतार के इसके ऊपर लगा देना है। लग रहा है इसका जो होल है वो बड़ा वाला है, तो ये एसेसरी जो है होल के हिसाब से ही दिए हैं कि आपकी कौन सी चिलम कौन से पे फिट हो सकती है। तो ये लगा देना आपने इसके ऊपर, और ये इसके ऊपर फिट करके आपने चालू कर देनी मशीन को।
आपकी हो गई बिल्कुल कूल रेडी और आपकी फुल चिलम रेडी हो गई, तो सेकंड का काम है सिर्फ स्पाइडर हुक के में ऐसा दम है जो मजा ही आ जाए आपको हुक के साथ। उसके बाद जो ऐसे ये पाइप है तो आप पाइप की नोजल को भी फिट करके लगा सकते हैं, बट ये हुक का ऐसा है कि इसके साथ पाइप की नोजल को फिट करना जरूरी नहीं है और काफी शानदार इसका पहले ही ड्रैग के अंदर आ जाएगा स्मोक। तो आप देखना पहले ड्रैग में कैसा स्मोक आता है। मतलब कितना टेंस स्मोक आ रहा है और बिल्कुल साइलेंट हुक्का है, देख रहे हैं मतलब एक आवाज नहीं है इस हुक्के के अंदर, बिल्कुल साइलेंट हुक्का। मतलब 1% वाली आवाज जो होनी चाहिए वो हो रही है, क्योंकि डिफ्यूजर सिस्टम ऐसा है इस हुक्के के अंदर जो बिल्कुल साइलेंट बना रहा है और स्मोक की डेंसिटी कितनी शानदार बना रहा है और टेस्ट भी काफी अच्छा आ रहा है। हर्बल फ्लेवर, शीशा 360, लव 86, नो निकोटीन, नो टार, नो तबैको। बहुत ही शानदार हुक्का, गजब का हुक्का स्पाइडर 2, मतलब स्पाइडर 1 इससे पहले, क्योंकि स्पाइडर 2 का मॉडल बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो मेरे मुंह के अंदर जो आ रहा है वो स्पाइडर 2 का मॉडल आ रहा है, क्योंकि वो भी धमाकेदार मॉडल मेरा निकला स्पाइडर 2। और ये है स्पाइडर आपका, मतलब क्या स्पाइडर, डायमंड स्पाइडर एक नाम है ये मकड़ा। और इसकी लेटेस्ट पिक जो है इंस्टाग्राम पे अपलोड है, अगर आपको जिसको भी देखनी हो आप हुक्का गुरु सासु जैसी को फॉलो करें, ये आपका हैंडल बना हुआ रहा है, इसी पेज को जाके फॉलो करना है, क्योंकि इसी पेज के अंदर आपको सारे वेरिएंट्स और सारे हुक्के के मॉडल्स मिल जाएंगे और ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको एसेसरीज में से परचेज करनी होगी, हुक्का कूल फ्लेवर्स एक्सेट्रा टॉन्ग्स वगैरह पाइप सब कुछ आपको अवेलेबल है हुक्का गुरु सासु जैसी पे। जिसको भी कॉन्टेक्ट करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में के अंदर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर, तो उससे ही जाके मुझे कॉल करें, कॉन्टेक्ट करें और मुझसे ही कॉल करनी है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स हो गए हैं, तो उस नंबर पे कॉल मत करो क्योंकि बहुत सारे आपको नकली नंबर देते हैं, तो इसलिए आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, उसी नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। और जिसके पेज पे मतलब आपको मैं रिप्लाई नहीं दे पाता या आप किसी और पेज पे चले जाते हैं आपको वहां से फटाफट रिप्लाई मिल जाता है, बट आपका क्या वहां पे फ्रॉड हो जाता है, तो अगर क्योंकि हमारे पास क्या हुक्का गुरु सासु जैसी एक ऐसा पेज है क्योंकि बहुत जगह फैला हुआ है और बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, तो हम हर किसी को मैसेज जल्दी से नहीं कर पाते, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में है, साइड में मेरा पेज बना रहा है तो इसी को जाके फॉलो कर देना है, इसी को जाके मैसेज करने हैं जो कुछ भी आपको परचेज करना हो तो। और ये देखते जाइए स्मोक को, कितना शानदार स्मोक है इसका, तो देख ही सकते हैं कितना शानदार स्मोक आया। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अलविदा लेते हैं, तो इस वीडियो का शेयर करना, सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, तो थैंक यू सो मच गाइस। This one, man's going in on this one. You're a couple gal on this one, man's gonna gang on this one. You can't hold back on this one, man's coming out on this one. Got this thing going down like, let's go. हेलो गाइज, ये मेरा हुक्का गुरु 786 का न्यू पेज है, इसको आप अब जाके फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा न्यू पेज है लेटेस्ट वाला, क्योंकि पुराना वाला हुक्का गुरु 786 का पेज जो था वो ब्लॉक हो चुका है, तो इसको जाके अभी से अभी शेयर करें और सब फॉलो करवा दें अपने दोस्तों यारों से जो भी हुक्का का लवर्स होंगे। और इस रेट में आपको रीजनेबल प्राइस में इस
हुक्का गुरु 786 की पेज पर आपको न्यू लेटेस्ट हुक्का वगैरह सब कुछ लिमिटेड प्राइस और लिमिटेड एडिशन में सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। और जिसको भी कॉन्टैक्ट करना हो वो हुक्का गुरु 786 के बायो के अंदर जाके देखें, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और आपको कॉलिंग नंबर दोनों मिल जाएगा। अगर आपको जिसको भी हुक्का गुरु 786 कुछ भी लेना हो तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सएप करें या कॉल करें। तो थैंक यू सो मच गाइस। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट।